अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो फर्स्ट हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि यार वो क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहा है, उसके तो लाखों में व्यूज हैं, तो मैं भी क्रिकेट की वीडियो अपलोड करना जो है शुरू कर देता हूँ। हम वो करते हैं, कोई मेहंदी के डिजाइन दिखा रहा है तो हम मेहंदी के डिजाइन दिखाना शुरू कर देते हैं, कोई ब्लॉगिंग के अंदर हिट है तो हम ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग नाकाम होते हैं तो फिर हम हार मान के बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मसला ये होता है कि आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी काम करें, एक कैटेगरी के ऊपर करें और सब्र रखें। उस बंदे से जाके पूछें कि उसने कितना अरसा लगाया है यूट्यूब के ऊपर सिर्फ कामयाब होने के लिए, ठीक है। किसी की रेटिंग को ना देखा करें, उसकी जद्दोजहद को देखा करें कि वो कितने मराहल से गुजर कर इस मुकाम तक पहुँचा है। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। फ्रेंड जब भी यूट्यूब के ऊपर काम करें, आपने ये चीज़ नहीं चेक करनी कि मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपने जो चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखें, अगर आपको कुकिंग आती है, व्लॉगिंग आती है, क्रिकेट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई भी आप स्किल सिखा रहे हैं, आपको स्किल के अंदर महारत होना लाजमी है। लेकिन एक स्किल यूट्यूब का भी है, एक स्किल यूट्यूब का भी है, इसका स्किल जो उसे कहा जाता है SEO। जब आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम नहीं कर रहा होगा, आप आगे नहीं जा सकते। यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, इसकी SEO का, वीडियो का, लेंथ का, क्वालिटी का, हर चीज़ का पता होना चाहिए। हमें सिर्फ इस चीज़ का पता होता है कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इस चीज़ की, इस मेडिसिन का पता है, तो मैं यूट्यूब पे चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपको यूट्यूब का भी एक काम होता है जो आपको सीखना पड़ेगा, किसी से सीख लें, मर्जी है आपकी, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन उसको सीखें ज़रूर। हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब का काम नहीं सीखते, जो बाहर का सीखा हुआ होता है वो इसके ऊपर आकर गाइड करना शुरू कर देते हैं, फिर ना तो हमारे व्यूज़ आते हैं और ना ही हम लोग जो है वो कामयाब हो पाते हैं। तो फ्रेंड देखें, यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले आपके पास SEO का होना लाजमी है, तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि किस तरीके से होती है। और अभी जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनके ऊपर ज़रूर आपने अमल करना है। कर दिए, आपने सबसे पहले चले जाना है YT स्टूडियो के अंदर। फ्रेंड्स आपका एक व्यू आ रहा है, दो व्यूज़ आए हैं, चार व्यूज़ आए हैं, कोई मसला नहीं है। आपने जो चीज़ चेक करनी है मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आप यहाँ पर आप देखिए, मेरा व्लॉग का जो चैनल है वो ओपन हो चुका है और इसके ऊपर सिर्फ 42 सब्सक्राइबर हैं, जो कि चंद दिन हुए मैंने इसको स्टार्ट किया है और 42 सब्सक्राइबर हैं। और मैं इसके कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूं। फ्रेंड जैसे मैंने कंटेंट के ऊपर क्लिक किया, मेरी वीडियोस आपके सामने आ चुकी हैं। अब इसके अंदर एक वीडियो ऐसी है जिसकी मैंने मुकम्मल SEO की हुई है, वैसे ब्लॉग के चैनल की SEO नहीं होती, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसकी मैंने SEO की है और उसके ऊपर 1.2K व्यूज आए हुए हैं सिर्फ दो हफ्तों के अंदर, क्योंकि 42 सब्सक्राइबर वाला चैनल लाखों में नहीं जा सकता एकदम, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जिसकी मैंने SEO की है मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आपने समझना है, यहाँ पर देखिए मेरी तीसरी वीडियो पड़ी है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। फ्रेंड जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद मेरी वीडियो देखिए रैंकिंग में से, ये आपको शो हो रहा होगा मेरा डॉट, 10 में से पहले नंबर पे मेरी वीडियो रैंक कर रही है, यानी कि ये पहले नंबर पे रैंक कर रही है। उसके अलावा इसके ऊपर 1.2K व्यूज आ चुके हैं और अभी भी इसके साथ जो एरो का निशान है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अभी भी इसके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, ये मेरी वीडियो रुकी नहीं है। अच्छा, अब नीचे जो लिखा हुआ है ना इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसे कहा जाता है CTR। आपने अक्सर यूट्यूबर से सुना होगा कि जी आपकी वीडियो का CTR अच्छा नहीं होता, इसीलिए वीडियो रुक जाती है। CTR वो चीज़ होती है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि आपने डायरेक्ट किसी चीज़ के ऊपर टच किया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमने यूट्यूब ओपन किया, कोई वीडियो हमारी आंखों के सामने से आई, हमने उसके ऊपर क्लिक किया। अब हमने उसको सर्च नहीं किया, हमारी आंखों के सामने आई, हमने क्लिक कर दिया, तो ये क्लिक जो है ये कहलाता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि CTR इंप्रेशन। तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए। अब क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा कैसे? फ्रेंड्स देखें, जब हमें कोई थंबनेल अच्छा लगता है तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, याद रखिए मेरी बात। तो मेरा जो क्लिक थ्रू रेट है वो 10.6% है, यानी कि ये ठीक है। इसके बराबर में जो तीर का निशान है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि जो मेरा क्लिक थ्रू रेट है, क्लिक थ्रू रेट होता है आपके थंबनेल से, थंबनेल अच्छा होगा तभी लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वरना कोई क्लिक नहीं करेगा। तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है ये ठीक है, अगर आपका ये ठीक नहीं है तो आप अपना थंबनेल बेहतरीन करके बनाएं। अच्छा, अब नीचे लिखा हुआ है गो टू वीडियो एनालिटिक्स, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मेरे व्यूज है 1.2K और नीचे इसकी अगर आप पट्टी के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.4K और मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। तो YouTube ये कह रहा है कि अभी भी आपकी जो वीडियो है वो 1.2K से
1.4 के तक जा सकती है। जब ये 1.4 के तक जाएगी इंप्रेशन मजीद बढ़ेगा तो ये ग्राफ मजीद ऊपर आएगा। फिर यहाँ पर 1.8 के लिखा हुआ आ सकता है, 2 के लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन फिल वक्त जो यूट्यूब एल्गोरिथम बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपकी वीडियो 1.4 के तक इजीली जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखें जो इस वीडियो से मुझे सब्सक्राइबर मिले हैं वो मिले हैं 12 फ्रेंड। शुरू के अंदर जब आपका कोई सब्सक्राइबर नहीं होता, अगर आपका एसईओ स्कोर अच्छा है तो आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। एक वीडियो से शुरू के अंदर 12 सब्सक्राइबर मिलना, यकीन करें ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और वो भी व्लॉग के चैनल के ऊपर। बाकी एक सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पे मिला, यहाँ तक 10 हुए, फिर 12 हुए, तो अभी तक जो है वो 12 सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं। अच्छा, अब आप ऊपर गौर करें, यहाँ पे रिच लिखा हुआ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपने यहाँ पे गौर करना है। यहाँ पर देखिए मेरे 1.2 के व्यूज आए हैं और मेरा इंप्रेशन जो यूट्यूब ने भेजा हुआ है आगे वो है 10.8 के, यानी कि लगभग 11,000 लोगों के सामने से मेरी वीडियो गुजरी है। लगभग 11,000 लोगों के सामने से मेरी वीडियो गुजरी है। अब फ्रेंड वो 11,000 लोग टेक की वीडियोस देखने वाले नहीं थे, उनके अंदर मूवीज देखने वाले भी होंगे, व्लॉग्स देखने वाले भी होंगे, या फनी वीडियोस भी देखने वाले होंगे, फिल्में देखने वाले भी होंगे, टेक से रिलेटेड भी होंगे, व्लॉग वाले भी होंगे। तो सिर्फ यानी कि 11,000 लोगों में से सिर्फ 1200 लोगों ने मेरी वीडियो के ऊपर जो है क्लिक किया, यानी कि 1.2 के। तो फ्रेंड आपका इंप्रेशन जो है ये भी हमेशा ऊपर की जानिब होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि 10.8 के 12 के, यानी कि 12,000 लोगों तक ये अभी भी गुजरेगी, हमें चांस है कि 12,000 लोग हो जाएंगे इसके ऊपर। अच्छा फ्रेंड नीचे आप यहाँ पर इसको आपने थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यूट्यूब सर्च टर्म्स, आपको शो हो रहा होगा मेरा सर्कल। यहाँ पर देखिए अब ये मेरी वीडियो थी इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से, यानी कि जो बिजली वाले मोटरसाइकिल आए हुए हैं उनके ऊपर थी। तो किसी ने सर्च किया इलेक्ट्रिक बाइक तो मेरी वीडियो आई, उसने इसके ऊपर क्लिक किया, तो उससे जो मुझे व्यूज मिले हैं इस चीज से, इस टैग से, उसने इतना लिखा है यूट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक, मेरी वीडियो आई उसने क्लिक कर दिया, तो 11% इससे व्यूज आए हैं इलेक्ट्रिक बाइक इन पाकिस्तान। अब उससे मुझे जो व्यूज आए हैं वो आए हैं 11%। अब है ईवी बाइक, ईवी बाइक मैं नहीं जानता क्या होती है, लेकिन किसी ने सर्च किया है, मेरी वीडियो आई है, उसने देखा है। उसके अलावा किसी ने नवीद व्लॉग्स को सर्च किया तो मेरी वीडियो आई है, उसने देखा है, इसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर मौजूद होंगे। तो फ्रेंड जो यूट्यूब सर्च टर्म्स है ये आपके टैग होते हैं, यानी कि ये वो टैग होते हैं जिनको यूट्यूब आपकी वीडियो से मुंसलिक करता है। फ्रेंड एक वीडियो है, ठीक है ना, उसको कोई बंदा सर्च करता है, अब उसके अंदर कंटेंट ब्लॉग का है, उसने कोई और चीज सर्च की तो आपकी ब्लॉग की वीडियो है उसने क्लिक किया, और बंदा आता है वो वही फिक्रा लिखता है जो आपकी वीडियो के अंदर नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो आती है वो क्लिक करता है, तो वो जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो नेम लिख रहे हैं, वो आपकी वीडियो का टैग काउंट होगा। अब ये जो यूट्यूब सर्च टर्म्स है, अब ईवी बाइक का मैंने कोई टैग तो नहीं लगाया अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन ईवी बाइक लिख किसी ने लिख के सर्च किया, मेरी वीडियो आई, उसने मुझे दे दी। तो अब ये जो ईवी बाइक है ना, मैं अपनी इसका टैग अपनी वीडियो के अंदर लगा सकता हूँ, ईवी बाइक का टैग मैं अपनी वीडियो के अंदर लगा सकता हूँ, उससे मुझे ट्रैफिक आएगी क्योंकि लोग इसको सर्च कर रहे हैं और मेरी वीडियो उसके ऊपर क्लिक हो रही है उस टैग के ऊपर, तो ये मैंने लगा देने। अगर आपके जो यूट्यूब सर्च टर्म्स वाले टैग हैं आपकी वीडियो के अंदर नहीं लगे हुए तो आप ये वाले टैग वहाँ पर जाकर लाजमी लगाएं, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें होती हैं जो आपने अपने चैनल के ऊपर देखनी होती हैं। फ्रेंड ये ना देखा करें कि यूट्यूब हमें कितने व्यूज दे रहा है, हमारे वीडियो पे एक व्यूज आया है, दो व्यूज आया है, ये चीज आपने नहीं चेक करनी, आपने ये चेक करना है कि आप क्लिक थ्रू रेट क्या है, इंप्रेशन कितने लोगों तक गया है। अगर इंप्रेशन आपका 100 लोगों तक गया है, एक व्यूज आया है, कोई मसला नहीं है, अब आपको किस चीज का पता चल गया कि मेरा थंबनेल अच्छा नहीं है, लोगों तक यूट्यूब वीडियो को तो पहुंचा रहा है लेकिन मेरा थंबनेल अच्छा नहीं है, हम क्लिक नहीं कर पा रहे, तो कोशिश क्या करें कि अपना थंबनेल अच्छा बनाया करें। शुरू के अंदर यूट्यूब पे जो व्यूज आते हैं वो आपके सीटीआर और आपके थंबनेल से आ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है आप वीडियो को अपलोड करें और यूट्यूब उसका रिच ना भेजे, ठीक है ना, तो ये हो ही नहीं सकता। बस आपने अपना थंबनेल अच्छा बनाना है, टैग अच्छे तरीके से करके लगाने हैं। अब फ्रेंड मैं वीडियो का इख्तिताम करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता चलूँ। आपने वीडियो का SEO स्कोर सीखना है, ये किस तरीके से होता है, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा SEO। आपने अपना थंबनेल चेक करना है जिसका क्लिक थ्रू रेट मैंने आपको दिखाया है, और आपने यूट्यूब का इंप्रेशन जो है वो चेक करना है कि मेरी वीडियो का कितना इंप्रेशन गया हुआ है आगे, क्योंकि आपका इंप्रेशन आपकी सब कुछ होता है, ठीक है। मेरी वीडियो 100 लोगों के सामने से गुजरी है, व्यूज सिर्फ एक आया है,
तो यानी कि मेरा थंबनेल अच्छा नहीं था, मैं इसलिए क्लिक नहीं हो पाया उनके आगे। तो फ्रेंड आप अपना थंबनेल अच्छा करें, क्लिक थ्रू रेट अच्छा करें, अपना इंप्रेशन ज़्यादा लोगों तक भिजवाएं, ये चीज़ें होती हैं। बाकी फ्रेंड यकीन करें कि मैं जब से यूट्यूब के ऊपर आया हूँ ना, मैं भी हर यूट्यूबर को मैंने सुना है जी ये ट्रिक लगा लें, ये ट्रिक कोई नहीं होती, आपकी मेहनत होती है बस, ट्रिक कोई नहीं होती, आपकी मेहनत होती है। बाकी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम लाख वीडियो देखते रहें, कोई मसला नहीं है, आप भी देखते रहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ट्रिक कोई नहीं होती, ठीक है ना, बस मुकम्मल काम करने का एक तरीका होता है। ये जो कहते हैं ना ट्रिक, ट्रिक वो नहीं होती, वो होता है जुगाड़, ठीक है ना, थुका तुका जिसको हम बोलते हैं, कि लग गया तो जी बिस्मिल्लाह ना तो अल्लाह खैर सलाह, ऐसा नहीं है। आप काम क्यों नहीं सीखते, SEO सपोर्ट सीखें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी से पेड भी सीख सकते हैं, वैसे तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, लेकिन अगर आप तफसीली सीखना चाहते हैं तो किसी इसका कोर्स मंगवा लें बस। तो बाकी अगली वीडियो जो मेरी होगी वो SEO स्कोर पे होगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, इंशाल्लाह हमारी अगली जो वीडियो होगी वो SEO स्कोर पे होगी। थैंक यू।